समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री यह चाहते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। इसीलिए जो आप सब लोग BDO ऑफिस में, SDO ऑफिस में, DC ऑफिस में और सरकार के समाहरणालय में, इसमें सेक्रेटेरिएट में जाते थे, उसकी जगह सरकार ने यह तय किया कि पूरे शासन सब लोग आप सब लोगों के द्वार पे आए। और उसी उद्देश्य से पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और कुछ लोग जो छूटे रह गए थे, इस वर्ष भी उसको कंटिन्यू किया गया। और जैसा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर दिन प्रत्येक पंचायतों में लोग जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है और आप सब लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे चेहरे पे खुशी दिखती है तो लगता है कि विकास की जो किरणें हैं वो लोगों तक पहुंची हैं और आप सब लोगों की जिंदगी में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उनके लीडरशिप के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव देवघर पहुंचे, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अधिकारी गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों का काम कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिलाओं के बीच 54 लाख रुपये का ऋण स्वीकृति का भी चेक वितरण किया गया। साथ में 155 किशोरियों के बीच सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का स्वीकृति पत्र भी वितरण किया गया। डॉक्टर मनीष रंजन ने दिव्यांगों के बीच व्हील चेयर का भी वितरण किया। उन्होंने आगे कहा कि समाज को ऊंचाई तक ले जाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र सीढ़ी है, इसलिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और किशोरियों को पढ़ने के लिए उसे मदद पहुंचाने के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के तहत सभी को 40,000 रुपये का सहयोग दिया जा रहा है। बीज विधान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हम सब लोगों की सरकार चल रही है, जिसमें एक योजना बनाई गई है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, उसके तहत पूरे स्टेट में हर एक पंचायत में पूरा प्रशासन पूरा शासन वहां जा रहा है, लोगों की समस्याओं को समझ रहा है, उसे दूर करने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका समाधान त्वरित गति से हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सरकार के लेवल पर। मैंने यहाँ देखा पालाजोरी में बहुत अच्छा आयोजन किया गया था, जिला के सभी वरीय पदाधिकारियों ने पूरी प्लानिंग अच्छे से की और उसका एग्जीक्यूशन यहाँ लोकल ऑफिसर जो SDO हैं, BDO हैं, SDPO हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं उन्होंने सम्मिलित होकर इसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे आशा है कि इस तरह की योजनाओं से लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ेगा और लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में निरंतर अच्छी होती चली जाएगी।